मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब में एक और है एपोच, मीन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ कुछ वफ़े से कोई चीज़ होना, एरोड ईट अवे, खा के दूर निकल जाना, खाओ पियो किसको, एक बड़ा मशहूर जुमला है। लाउड कलमसी पर्सन, यानी बड़ा चलाक मक्कार, और कलमसी मैं बता चुका हूँ कलमुई से याद रख सकते हैं, जो सास बहू को कहती है ना बड़ी कलमुई है, तो कलमुई कलमसी। लॉफ्टी वेरी हाई, ऑनेस्ट के मीनिंग बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, देखो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये होती है, बर्डन होता है भाई। मुझे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अपने बच्चों का टेस्ट क्लियर कराना है। जब तक तुम लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं हो जाता, एक बच्चे का बाकी होता है, मेरे ऊपर क्या होता है, ऑनर्स होता है, बर्डन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन सी, लॉफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी वेरी हाई। ठीक है, अच्छा जी। और अप्रोच पीरियड ऑफ टाइम के साथ, देखो ऐसे इस्तेमाल करना सीखो ना, पीरियड ऑफ टाइम के साथ ये जो ऑनर्स है वो लॉफ्टी होता जाता है, वेरी हाई होता जाता है। फिर उसके बाद एक सुकून होता है, फिर मैं कहता हूँ अब क्या करो, रोड करो, ईट करो और अवे हो जाओ। ठीक है, ईट अवे। और मुझे नफरत कैसे लोगों से, नफरत के लिए बहुत सारे वर्ड हम देख चुके हैं, एवोर वगैरह, सारा दिन में ऐसे जाओ। अब मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, हर वर्ड पहले उर्दू में, फिर उसका जो जो उर्दू के वर्ड हैं जो अब तक तुम्हें वोकैबुलरी बताई, तुम लोगों को कह रहा हूँ कि उसको फिट करते जाओ। हाँ जी, तो क्या है, कलमसी पर्सन यानी लाउड पीपल, आई डोंट लाइक दैट।